This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। कावड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुजफ्फरनगर का नियम पूरे यूपी में लागू होगा। कावड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी, दुकानों पर मालिक के नाम लिखने होंगे। मणिपुर के उखरुल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.3 रही। भूकंप आज सुबह 9:30 बजे आया था। गोंडा रेल हादसे में एक और यात्री की मौत हो गई है। इसके साथ ही इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। नेट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने रांची आरआईएमएस की एक छात्रा को हिरासत में लिया है। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन में अब तक 39 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी ढाका समेत कई इलाकों में हिंसा भड़की है। चिली अर्जेंटीना बॉर्डर रीजन में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 रही। शहीदों के परिवार को मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ा फैसला किया है। पत्नी और माता पिता को बराबर राशि मिलेगी। 50 लाख रुपए शहीद की पत्नी को मिलेंगे। यूपी का सियासी पारा चढ़ने के बीच आरएसएस और बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक 20 और 21 जुलाई को होनी है। मीटिंग को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बुलढाणा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान पथराव हुआ है। पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस की गोली छोड़ी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भगवान बनने वाले बयान पर शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भागवत जी को खुलकर बोलना चाहिए। घाटकोपर में होर्डिंग गिरने के मामले में आर्किटेक्ट मनोज रामकृष्ण सांगू को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कई शर्तें रखी है। सोलापुर की करवाला विधानसभा सीट से एनसीपी शरद पवार गुट ने अपना उम्मीदवार चुन लिया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। चुनाव की तैयारियों को लेकर सपा ने एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वैश्विक दबाव के बीच सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को आज घरेलू बाजार ने कारोबार की खराब शुरुआत की। सुबह कारोबार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में चढ़े हैं। हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर ने वनडे और टी20 दोनों टीम में रियान पराग को चुना है। हालांकि फैंस इस फैसले से हैरान है। श्रीलंका दौरे के लिए सूर्यकुमार यादव को टी20 टीम का कप्तान बनाया गया है। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या से तलाक लेने पर सर्बियाई मॉडल नताशा स्टेनकोविक को लेकर खूब नफरत भरे कमेंट्स किए जा रहे हैं। प्रवास की फिल्म कल्कि 2898 एडी ने सिनेमाघरों में रिलीज के 3 हफ्ते बाद भी पूरा माहौल बनाया हुआ है। फिल्म का कलेक्शन हर दिन चौंका रहा है। अक्षय कुमार की सरफिरा का एक हफ्ते में ही बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हो गया है। फिल्म के लिए आधा बजट निकालना भी मुश्किल लग रहा है। विक्की कौशल, एमी विर्क और तृप्ति डिमरी की बैड न्यूज थिएटर में रिलीज हो गई है। पहली बार विक्की और तृप्ति की फ्रेश पेयरिंग इस फिल्म में देखने को मिल रही है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।